नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने प्रेस वार्ता करते हुए जोशीमठ के मौजूदा हालातों के बारे में जानकारी ली। अब तक जोशीमठ के सभी 9 वार्डों के 849 भवनों में दरारें देखने को मिली हैं, यह कहा गया, जबकि 9 में से 4 वार्डों को रहने के लिए पूरी तरह से असुरक्षित बताया गया है, जिसमें 165 आवासों को रहने के लिए असुरक्षित बताया गया है। आगे बताया कि जेपी कॉलोनी के 15 भवनों को भी पूरी तरह से असुरक्षित बताया गया है। डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने बताया कि वेब्रिगेटेड भवनों का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू हो जाएगा, जिन्हें जोशीमठ के टीसीपी तिराहे पर बनाया जाएगा। प्रशासन का आश्वासन है कि इन भवनों को 1 सप्ताह के अंदर तैयार कर लिया जाएगा। विस्थापन के लिए पीपल कोठी में जमीन भी चिन्हित की गई है, जिसमें लगभग 130 परिवारों के घरों का निर्माण किया जाएगा। अब तक कुल 207 परिवारों को 3,10,00,000 रुपए की अग्रिम सहायता राशि वितरित की जा चुकी है। कहा है, लेकिन उनका काम कंटिन्यू चलता रहेगा। एनडीआरआई की टीम ने कहा है, उनके 10 लोग लगे हुए एनडीआरआई के, 10 साइंटिस्ट, और 2 वीक का समय मांगा है प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के लिए, और फाइनल रिपोर्ट वो 3 वीक्स में देंगे, 3 सप्ताह में। वाडिया के 7 इंजीनियर साइंटिस्ट लगे हुए हैं और उन्होंने प्रीलिमिनरी रिपोर्ट 2 सप्ताह में कहा है और फाइनल रिपोर्ट 2 महीना लेने की बात कही। जीएसआई के 7 साइंटिस्ट लगे हुए हैं, प्रीलिमिनरी 2 सप्ताह में और फाइनल 2 महीने में। आईआईटी रुड़की की टीम अभी पहुंची है, उनके द्वारा असेसमेंट किया जा रहा है, कितना समय लगेगा, कितने जगह पर उनको टेस्टिंग करनी है, और उसके बाद वो अपनी टाइमलाइन देंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर के दौरे पर हैं। अब आपको बता दें कि जिसमें मुख्यमंत्री संध्या कालीन मां शारदा की आरती की और उत्तरायणी मेले का उद्घाटन भी किया। इस दौरान सुरक्षा के नाम पर टनकपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ अभद्रता और धक्कामुक्की भी की। बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र चंद देवा के साथ धक्कामुक्की और बदसलूकी किए जाने से पत्रकारों में काफी रोष देखने को मिल रहा है, जिसके चलते चंपावत जर्नलिस्ट यूनियन के पत्रकार टनकपुर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां पत्रकारों ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित एक ज्ञापन भी भेजा, जिसमें पत्रकारों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और चंपावत विधानसभा से विधायक पुष्कर सिंह धामी से इस मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की मांग की है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पेपर लीक मामले में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर प्रदेश सरकार के खिलाफ मौन व्रत रखकर युवा बेरोजगारों का समर्थन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि लोक सेवा आयोग पेपर लीक मामला कोई छोटी घटना नहीं हो सकती। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि सरकार को इस मामले में विपक्ष को एक साथ लेकर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ हाकम सिंह की नहीं बल्कि अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की साख और विश्वसनीयता को बनाए रखना भी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब बात पंतनगर यूनिवर्सिटी जैसे बड़े संस्थानों तक पहुंच गई है, और ऐसे में सरकार को कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाना चाहिए। अति व्यथित भाव से पार्टी धरना दे रही है, मैं उपवास पर बैठूंगा, 1 घंटे का उपवास पर बैठूंगा। और देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य का और ये संस्थाएं हमारा अभिमान है, लेकिन इन संस्थाओं में क्या हो रहा है, ये बड़ा चिंताजनक है। और ये एक सामान्य नहीं है पेपर का लीक, ये तो इस मामले में मुझे लगता है कि बहुत गंभीर स्थिति है।
तो उत्तराखंड के कदम जैविक राज्य बनने की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं। बाजार में जैविक उत्पादों की मांग को देखते हुए प्रदेश के किसानों का रुझान भी जैविक खेती के प्रति बढ़ रहा है। यही वजह है कि बीते 4 सालों में उत्तराखंड में जैविक खेती का रकबा बढ़ा और इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया जा रहा है। वहीं राज्य की धामी सरकार भी किसानों को जैविक खेती करने के लिए लगातार प्रोत्साहित भी कर रही है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मोदी जी का विशेष आशीर्वाद किसानों पर है और जब से इस मंत्रालय को उन्होंने संभाला है तभी से लगातार जैविक खेती की ओर से उत्तराखंड सरकार लगातार उत्तराखंड राज्य आगे भी बढ़ रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान वहीं हमारी सरकार ने भी किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान राशि 2000 किसानों को देगी, ये कहना था उनका। आप देखें, किसी किसान से अगर आप बात करें, जब से ये मुझे मंत्रालय मुझे मिला है और माननीय मोदी जी का एक विशेष आशीर्वाद किसानों को है, जहां किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार दे रही है, हमारी सरकार ने भी फैसला किया है कि मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन राशि 2000 रुपये हमारी सरकार देगी, जो किसानों की आय दुगने में एक सार्थक कदम होगा। तो जैविक खेती के प्रति किसान अब काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार भी इसको लेकर तमाम तरह की पहल भी कर रही है। जैविक राज्य इसको बनाने की पूरी तरीके से तैयारी भी की जा रही है और आपको बता दें कि इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों से अपील भी कई जगह करते हुए नजर आए हैं। जैविक राज्य बनने की तरफ है उत्तराखंड, जैविक खेती के प्रति किसानों का आगे बढ़ना भी अच्छी पहल मानी जा रही है। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कई बार किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित भी कर चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई जगह पर जैविक किसानों को लेकर किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित कर चुके हैं। तो मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने उत्तराखंड में मौसम की हलचल को लेकर पूर्वानुमान जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 18 और 19 जनवरी के दरमियान अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश के साथ बर्फबारी देखने को भी मिल सकती है, ये कह रहा है। हालांकि आगे और कुछ दिन बारिश और बर्फबारी के संकेत भी दिए गए हैं। पिछले 2 दिनों से फिलहाल प्रदेश में मौसम तो साफ है लेकिन कड़ाके की ठंड के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्रों में कोहरे ने पिछले कई दिनों से खूब सितम ढाया हुआ है। कुल देखिए 16 तारीख आज हो गई है जैसे जनवरी की, तो पीछे 2-3 दिन आपने देखा 12-13 में थोड़ी एक्टिविटी रही है और 14 सुबह से भी दिन से साफ हो गया था मौसम, और साफ होने के बाद जो मैदानी क्षेत्र है थोड़ा तापमान गिरते हैं तो फिर वापस कोहरा जो है वो सुबह शाम देखने को मिल रहा है। खासकर दिन में हालांकि लिफ्ट हो जा रहा है, जैसे आप देहरादून में भी देख रहे हो, हालांकि जो सरफेस विजिबिलिटी ठीक ही है लेकिन जो लिफ्टेड फॉग है थोड़ा जो है तो अभी भी जैसे सनशाइन जो है सुबह के टाइम थोड़ा काफी देर तक नहीं मिल रहा है, 12-1 बजे के बाद जो है सनशाइन मिल रहा है। तो ठीक है, तापमान की अगर बात करें पहाड़ों में हमारे नॉर्मल के आसपास है, चाहे न्यूनतम है चाहे अधिकतम है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई पटवारी भर्ती पेपर लीक प्रकरण पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सवाल उठाया है। प्रीतम सिंह ने कहा कि पटवारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण के बाद
भर्ती घोटाले में संलिप्त उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा प्रस्तावित पीसीएस मेस तथा फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षाओं को स्थगित करते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार देने में फेल साबित हो रही है और नौकरी देने के बजाय नौकरी बेचने का काम किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर लगातार जो है जो परीक्षाएं हो रही है उसमें अनियमितता भी हो रही है, भ्रष्टाचार भी व्यापक स्तर पर हो रहा है और सारी परीक्षाएं जो है उस संशय के घेरे में है। पूर्व में यूके एसएससी में जो भर्तियां हुई उसमें व्यापक स्तर पर अनियमितता हुई और उसके खिलाफ निश्चित रूप से जो है सड़कों पर उतर करके उत्तराखंड के नौजवान साथी संघर्ष करने का काम कर रहे थे। तो उत्तराखंड में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में बढ़ते वायु प्रदूषण से चुनौतियां भी खड़ी हो गई है। देहरादून और ऋषिकेश में इन दिनों वायु प्रदूषण का ग्राफ तेजी से बढ़ गया है। बता दें कि लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण के चलते एक चुनौती भी खड़ी हो गई है। शासन प्रशासन स्तर पर वायु प्रदूषण से निजात पाने के लिए समय समय पर जागरूक किया जा रहा है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या और शहर में बढ़ते ट्रैफिक को लेकर एक चुनौती खड़ी हो गई है। क्षेत्र अधिकारी राजेंद्र चतुर्वेदी का मानना है कि उत्तराखंड के कई शहर प्रदूषण के इंडेक्स को पार कर चुके हैं। देहरादून और ऋषिकेश में यह आंकड़ा 150 के पार हो चुका है। वहीं देहरादून अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर कुमार का कहना है कि प्रदूषण बढ़ने के चलते मरीजों को सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समस्या अगर हम पर्टिकुलर उत्तराखंड के हिसाब से चले तो उत्तराखंड में अन्य स्टेटों की तुलना में वायु की गुणवत्ता अच्छी है, लेकिन हमारे क्या है जैसे इस ऑफिस के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसमें से हमारे 2 शहर देहरादून और ऋषिकेश की वायु गुणवत्ता की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है नेशनल क्लीन एयर प्रोजेक्ट एनकैप का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें इन दोनों शहरों की गुणवत्ता को और सुधारने का प्रयास सरकार कर रही है। पॉल्यूशन तो ऑब्वियसली एक बहुत ही मेन कारण रहता है, रेस्पिरेटरी यानी छाती सांस लेने वाली जो बीमारी जिसे कहते हैं हम, एयर पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा होता है। यूजुअली जो ओल्ड एज ग्रुप्स में आते हैं या जिनको ऑलरेडी हार्ट की या निमोनिया जैसी कोई शिकायत रहती है या जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनमें ज्यादा सांस लेने में ज्यादा दिक्कत आती है। बाकी अगर आमतौर पर देखा जाए तो एयर पॉल्यूशन में सारे एज ग्रुप्स जितने भी हैं, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, जो भी हैं या एल्डरली वाले भी आते हैं, सब में सांस लेने में दिक्कत आती है। कार्डियक पेशेंट्स में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। तो वहीं सड़क सुरक्षा सप्ताह का आज आखिरी दिन है, लेकिन लोगों में कोई भी जागरूकता नहीं देखने को मिल रही है। बता दें कि ऋषिकेश में चौक चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों के सामने दोपहिया वाहन पर 3 सवारी बैठकर गुजर रही है। सवारी बैठाने वाले ई रिक्शा में भी सामान की ओवरलोडिंग देखी जा सकती है। स्कूल जाने वाले नाबालिग छात्र भी बाइक पर ट्रिपलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही है कैसे ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जाती हैं। इन्हीं कारणों से सड़क हादसे भी होते हैं। हालांकि डीजीपी अशोक कुमार ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के कार्यक्रम में जल्दी ही शहर में सीपीयू की तैनाती करने का भरोसा दिया है।
हमारे TSI लग गए, हमारी मोबाइलें आ गई, इंटरसेप्टर्स आ गए, हमारे यहाँ पे TIB मैंने लगा दिया है, ऋषिकेश में भी और मुनिकेत में भी, लक्ष्मण झूला मैंने यहाँ से शुरुआत कोऑर्डिनेशन भी कराते हैं। मजिस्ट्रेट तो नहीं है हमारे, SSP टेरी कोई नोडल बनाते हैं सर। ऋषिकेश में कोई चलान की कार्रवाई नहीं होती, चौक चौराहों पे खुले आम ओवरलोडिंग होती है, सब कुछ होता है। लेकिन बात यह है जब तक सर ट्रैफिक पुलिस नहीं होगी, नियमों का पालन राजधानी की तरफ से नहीं होगा। इसमें हमने CPU टीम भेजने का भी निर्णय लिया है। तो खबर रुड़की के भगवानपुर घाट से, जहां पर बहुचर्चित सड़क का कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने सिकरोड़ा गांव में पहुंचकर फीता काटकर उद्घाटन किया और खानपुर विधायक ने जमकर इस पर निशाना भी साधा है। आपको बता दें कि सिकरोड़ा गांव में प्रधानमंत्री ग्राम योजना के तहत एक सड़क बनने जा रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने ममता राकेश जिंदाबाद के नारे लगाए और उनका आभार भी व्यक्त किया। हमारी सड़क बहुत दिनों के बाद बन रही है, हम लोग बड़े खुश हैं। विधायक जी ने हमारी सड़क बनाई, उमेश कुमार का तो कोई मामला ही नहीं है, विधायक जी ने विधानसभा है वो तो एक फर्जी मामला है, वो तो एक हवाई नेता है। उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ भी नहीं है, वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं जबकि यहाँ उनका कुछ है नहीं। यहाँ तो हमेशा लोकसभा में भी हमारी विधानसभा से कांग्रेस ही जीत गई, हालांकि भी कांग्रेस ही जीत गई। तो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बताया कि जोशीमठ को बचाने के लिए आध्यात्मिक तरीका भी अपनाया जा रहा है। आगामी 100 दिनों तक जोशीमठ में आर्थिक अनुष्ठान भी किए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जोशीमठ आपदा में जिन प्रभावितों को शिफ्ट किया गया है, उन्हें उसी प्रभावित क्षेत्रों में ही शेल्टर होम में रखा गया है। ऐसे में अगर किसी दिन दुर्घटना हो जाती है तो उसकी चपेट में सभी आएंगे। सरकार को प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना चाहिए। जोशीमठ के अलावा अन्य क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाओं के कारण दरारें पड़ रही है। शंकराचार्य ने कहा कि अनियोजित विकास के कारण इस तरह के हालात उत्तराखंड में पैदा हो गए हैं। विकास परियोजनाओं का आकलन किया जाए और उसके बाद उन्हें पहाड़ों में शुरू किया जाए। अनुभवों से हमको ये पता चल जाता है कि हमको नियोजन करना चाहिए। नियोजन के लिए हमारे यहाँ विभाग भी हैं, अधिकारी भी नियुक्त हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कहते हैं कि अधिकारी रिश्वत लेते हैं और मनमाना करने देते हैं। तो इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। इतना ही कहेंगे, इससे ज्यादा क्या कहें। अनियोजित विकास जो है विनाश को आमंत्रित करता है और अंधाधुंध विकास भी। विकास के कार्य एक निर्धारित गति से किए जाने चाहिए। रातों रात प्रोजेक्ट को पूरा कर लेने का जो भार, जो दबाव अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर और कार्यदायी संस्थाओं पर बनाया जाता है। तो अल्मोड़ा जिले के राजकीय इंटर कॉलेज झड़गांव में चामुंडा अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है, जिसमें क्षेत्र के लगभग 200 से अधिक ग्रामीणों ने अपना स्वास्थ्य प्रशिक्षण कराया। साथ ही कैंप में सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ मौजूद थे। कैंप में ECG, ब्लड शुगर की भी जांच की गई। ग्रामीणों ने चामुंडा अस्पताल काशीपुर संयोजक डॉक्टर यशपाल रावत से क्षेत्र में इसी प्रकार के स्वास्थ्य कैंप लगाने का अनुरोध किया, जिससे वो भलीभांति परिचित भी हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा ही सल्ट क्षेत्र में लोगों के लिए समर्पित भाव से काम करते रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चामुंडा अस्पताल काशीपुर के संयोजक डॉक्टर यशपाल रावत सल्ट में जगह जगह मेडिकल कैंप को लगाते जा रहे हैं। स्वास्थ्य कैंप लगने से ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है। ग्रामीणों ने डॉक्टर यशपाल रावत का आभार भी व्यक्त किया और इस मौके पर कई स्वास्थ्यकर्मी भी मौजूद रहे।
अल्मोड़ा में निशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये चामुंडा अस्पताल में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था जहां ग्रामीणों को काफी लाभ पहुंचा है। ये तस्वीरें हम आपको आयोजन की दिखा रहे हैं जब काफी संख्या में लोग भी पहुंचे थे। उन्होंने अपने तमाम तरह का चेकअप भी कराया। ग्रामीणों ने इस दौरान स्वास्थ्य परीक्षण भी लिया। ये तस्वीरें हम आपको सीधे अल्मोड़ा से दिखा रहे हैं जहां एक अच्छी पहल करते हुए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी से एक गिरफ्तार दो आतंकियों में से एक को उत्तराखंड पुलिस भी अब तलाश कर रही थी। उधम सिंह नगर के रहने वाले जगजीत सिंह जग्गा की उत्तराखंड पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। दरअसल एक हत्या के मामले में जगजीत सिंह जग्गा साल 2018 में हल्द्वानी की जेल में बंद था, जो पैरोल मिलने के बाद जेल से बाहर आया था, लेकिन पैरोल खत्म होने के बाद जगजीत सिंह जग्गा फरार हो गया। इसकी तलाश उत्तराखंड पुलिस भी कर रही है, लेकिन जगजीत सिंह जग्गा को दिल्ली पुलिस ने आतंकी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का कहना है कि जगजीत सिंह जग्गा उत्तराखंड पुलिस के लिए पहले से ही वांटेड है, जो पैरोल खत्म होने के बाद फरार था। बता दें कि गणतंत्र दिवस को लेकर उत्तराखंड के सभी जनपदों में एसएसपी को इनपुट मिलने पर सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। उत्तराखंड पुलिस भी लगातार इस आतंकी की गिरफ्तारी के लिए पहल कर रही थी, लेकिन अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये पहले इसे पैरोल मिला और पैरोल के बाद ये वापस जेल में नहीं पहुंचा। 2018 में हल्द्वानी की जेल में बंद था, लेकिन पैरोल मिलने के बाद जेल से बाहर आ गया था और तब से ही फरार था। दिल्ली के जहांगीरपुरी से दो आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था और जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक आतंकी हमले को लेकर लगातार गणतंत्र दिवस में किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत एक आतंकी की गिरफ्तारी भी हुई है, जो पहले से ही पेरोल पर बाहर था और पेरोल खत्म होने के बाद भी वापस जेल नहीं पहुंचा था। तो हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह द्वारा क्राइम मीटिंग कर सभी अधिकारियों को महिला संबंधित नशे और यातायात संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए। एसएसपी कार्यालय में आयोजित क्राइम मीटिंग में हरिद्वार जिले की सभी थानों कोतवालियों के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 20 पुलिसकर्मियों को मैन ऑफ द मंथ पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि अपराध को कम करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। किसी भी अपराध को गंभीरता से लेकर उसका अनावरण करना और नागरिकों को बेहतर पुलिस सेवाएं देना उनकी प्राथमिकता है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि पुलिसकर्मियों को छुट्टी देने के लिए व्हाट्सएप के जरिए प्रार्थना पत्र देने की नई शुरुआत भी की गई है। महिला संबंधी अपराध है और हमारा जो पुराने केसेस है जिनका अनावरण नहीं हुआ, जघन्य अपराध है, उनको कैसे अनावरण करके फोकस करने का था। यातायात और ट्रैफिक व्यवस्था में जिस तरह के अभी देख रहे हैं एक्सीडेंट्स में काफी लोग की मृत्यु हुई है, एक्सीडेंट्स हुए हैं, उसको कैसे रोका जाए उन पर भी खास फोकस पर चर्चा की गई। साथ ही साथ जो नशे के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसको कैसे और सुदृढ़ करके और अन्य इलाकों में भी किया जाए और ऐसे नशे के सौदागरों की संपत्तियां भी जब्त की जाए, उस सब पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ वेलफेयर में देखते हुए जो अच्छा काम करने वाले मैन ऑफ द मंथ से भी हमने विभिन्न थानों से लोगों को सम्मानित किया है। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।